ओम शांति। ईशु दादी बचपन से ही लच्छू दादी और ईशु दादी दोनों बहनें ज्ञान में थी और बाबा की सेवा में दोनों ने बहुत ही दिल से सहयोग दिया। ईशु दादी ऑनेस्ट, वफादार, सिंपल और ज्ञानी तो आत्मा थे, तो बाबा के जो पत्र आते थे दादी उसको पढ़ती थी, छांटती थी और जो पत्र देने होते थे, लिखते होते थे, बाबा रेड पेंसिल से लिखते थे और दादी फिर सही से उसको ठीक लिखती थी, क्योंकि बाबा के अक्षर हैं, कोई पढ़ नहीं सकते थे। तो ईशु दादी सिंधी दादियों के लिए सिंधी में और हिंदी बहनों के लिए हिंदी में उस पत्र का ठीक करके भेजती थी और शुरू से बाबा ने उनको अकाउंट्स के लिए निमित्त बनाया तो अंत तक दादी अकाउंट्स संभाला और गोलक भाई के साथ मिलकर कार्य बहुत सुचारू रूप से किया और बहुत सिंपल और बहुत ही वफादार रही, अंत तक सेवा करती रही और उसके जब भी कभी भी प्रोग्राम में जाती थी, बोलती तो 2 मिनट थी परंतु इतनी खुशी, उमंग उल्लास से वाह बाबा वाह बाबा वाह ड्रामा करके सबको खुश कर देती थी। तो इसलिए भल वो लंबा चौड़ा भाषण नहीं करती थी पर हरेक को उमंग उल्लास में जरूर लाती थी। ओम शांति।